storage class. Storage classes basically होते हैं कि हमारे पास ना चार classes होती हैं. पहले का नाम होता है auto, दूसरे का नाम होता है हमारे पास static और register, तीसरे का नाम होता है हमारे पास static और चौथे का नाम हमारे पास होता है दूसरा last होता है हमारे पास extra. इन सबको समझने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज़ और समझनी होती है कि basically we have to understand the types of variables. Basically हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं. एक को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? आर दो वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शन. जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल्स. ठीक है, एंड दोज आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शंस. अगर मैं किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करता हूँ आर कॉल्ड व्हाट? ग्लोबल वेरिएबल. अब so बात आती है यही तो दिखाऊंगा. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ स्टिकर अटैच. ठीक है, तुम भी आ जाओ यहाँ पर आकर के. जो मैं यहाँ पर इंट ए और बी लिखता हूँ दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल. क्या कहते हैं इन्हें हम? लोकल वेरिएबल. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आकर के डिक्लेयर किया होता तो सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स. क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स. लोकल और ग्लोबल का फर्क है. जैसे कि मान लीजिए मैं अब ना तुम्हें बताता हूँ कि डिफरेंस किस तरह से आता है, क्यों लोकल और ग्लोबल की कहानी की जाती है. लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है इंटीजर ए, एड नाम का एक फंक्शन है मेरे पास, इसके अंदर मैंने लिख दिया ए और बी. ठीक है, और मैंने कहा एंटर टू नंबर्स स्कैनफ एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी एंड दैट्स इट. मैंने क्या किया, इन दोनों का सम मैं प्रिंट करा देता हूँ. परसेंटेज टी प्लस परसेंटेज टी इज इक्वल टू परसेंटेज टी स्लैश एन ए बी एंड ए प्लस. ठीक है, ये मैंने ऐड नाम का फंक्शन बना दिया. ऐसे मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, एक और फंक्शन बना देता हूँ. अगर आप फंक्शन को मेन के ऊपर डिफाइन करोगे देन प्रोटोटाइप वाली एरर कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया ना. इसको मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट, इसको मैं बना देता हूँ क्या, सबट्रैक्ट. बना दिया और मैंने कहा प्रोडक्ट वाले को इनटू स्टार. ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, सबट्रैक्ट के केस में माइनस एंड ए माइनस बी. तो मैंने यहाँ इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर दिए जिनमें अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है. ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग एक नाम से अपनी इंस्ट्रक्शंस को सेव कर लेते हैं और ये सिंपलेस्ट फंक्शन है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ऐड सबट्रैक्ट वगैरह को डायरेक्टली मैं जैसे लिखूँगा ऐड और वो मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा. लेट्स सी, और फाइल को सेव कर देते हैं वन डॉट सी. नंबर एंटर करता हूँ, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है इजीली. भाई मैंने किया क्या, मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन जो मैं कल तक मेन में लिखता था मैंने इसमें सेव कर दिया. लेकिन यहाँ पर अब मेरे सामने क्या होता है, ध्यान से समझना क्या होता है. इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए मुझे कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी? 4 और 4 8 16 और तो 24 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए. लेकिन मुझे सही मायने में दो ही तो वेरिएबल यूज करने थे. तो मैं क्या करता हूँ, इस सेविंग को करने के लिए मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ. तो जैसे ही मैंने यहाँ डिक्लेयर किया ना, अब मुझे इन वेरिएबल्स की हर एक जगह रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल मैंने क्लास फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दिया
जो वेरिएबल मैंने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दिया दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल द फंक्शन. अब मैं ऐड प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट किसी को भी कॉल कर सकता हूं. सब लिखा सब्ट्रैक्ट. लेट्स रन. मैंने कहा ठीक है. तो दैट मीन्स आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स को लोकली और ग्लोबली यूज़ करना. तो मैंने एक एग्जांपल करने के लिए कहा था बैंक वाला. तो मैंने कहा था फंक्शन बना करके रख लो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक वेरिएबल की दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस जो आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो क्या अकाउंट ओपन करोगे तो भी बैलेंस अपडेट होना चाहिए. ये जो वेरिएबल मैं ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ ये हर एक को अवेलेबल होते हैं. कैसे? जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था ध्यान से समझना. मैंने कहा बैंक डॉट से थोड़ा सा ध्यान से समझना. इसे क्या होता है कि मैंने कहा मैं दो ही फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर डिपॉजिट और डिस्प्ले वाला. ठीक है. मैंने क्या किया इस बैंक के एग्जांपल में एक वेरिएबल ले लिया बैलेंस. ठीक है. और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम है अकाउंट ओपन कर दिया. जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो सपोज हमने जैसे void open लिखा है तो कॉल करते हैं void open लिखने की जरूरत नहीं सिर्फ open लिखा. हाँ void open लिख सकते हैं लेकिन यही चीज़ होती है कि void लगाना सही होता है. return type हमेशा देना चाहिए. implicitly int होता है जैसे main function के साथ नहीं दिखाया था कि अगर आप नहीं लगाओगे तो return statement की calling होने लगती है कि function should return a value. तो जब हम कॉल करते हैं तो void लगाना ज़रूरी है. कॉल करते वक्त नहीं बनाते वक्त. बनाते वक्त हम कॉल करते वक्त तो लिखते ही नहीं. रिटर्न टाइप कभी नहीं देते. कॉल करते वक्त कभी नहीं देते. कॉलिंग इसे कहते हैं. यहाँ पर मैंने ओपन लिख दिया इसे हम कॉलिंग कहते हैं. कॉल टू फंक्शन कभी भी वॉइड नहीं लिखा जाता सिर्फ नाम दिया जाता. आपने कहीं वॉइड नहीं लिखा ना तो यही चीज़ है. अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ. मैंने कहा एक वेरिएबल ले लिया अमाउंट. एंटर एंटर अमाउंट टू ओपन अकाउंट. अपना अकाउंट ओपन करने के लिए अमाउंट एंटर करते हैं. स्कैनअप परसेंटेज टी एड्रेस ऑफ AMT और जो मैंने इस अमाउंट में डाला वो मैं क्या करूँगा बैलेंस में अपडेट कर दूँगा. कर दिया. और एक मैसेज दे देते हैं क्या अकाउंट ओपन विद बैलेंस व्हाट परसेंटेज डी बट बैलेंस. ठीक है. और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ void एक और मैं बना देता हूँ बैलेंस इंक्वायरी. और बैलेंस इंक्वायरी में मैं क्या करने वाला हूँ इसी को यूज करने वाला हूँ अकाउंट करंट बैलेंस रुपीज. ठीक है. ध्यान से देखना. मैंने अकाउंट ओपन करवाया और बैलेंस इंक्वायरी करी. लेट्स सी क्या होता है. मैं आपको अच्छा एक्सटेंशन डॉट CPP हो गया हमारे साथ भी हो जाता है बैंक डॉट सी. लेट्स सी. तो यहाँ पर मैंने कहा लेट्स सपोज मैंने 5000 से अकाउंट ओपन किया. अकाउंट ओपन एंड माय करंट बैलेंस इज एक और ऐसे ही जैसे मैंने एक फंक्शन बना जैसे ओपन बनाया था ऐसे ही मैं क्या बना देता हूँ एक और फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया डिपॉजिट. डिपॉजिट में भी अभी अमाउंट मुझे बार बार यूज़ करना है मैं क्या करता हूँ इस वेरिएबल को भी ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं कॉमा AMT. ये जो अब बैलेंस मैंने यूज़ किया ध्यान से रहें ये बहुत बड़ी बात है. क्या जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है ग्लोबली दैट मीन्स आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल्स मेरे दो जगह दो चीज़ें करते हैं. पहली बात तो वो सभी फंक्शंस के पास अवेलेबल होते हैं और दूसरी बात होती है कि उसकी करंट वैल्यू जो लास्ट फंक्शन में चेंज किया वो होती है. मैं जितनी बार चेंज फंक्शन को कॉल करूँगा ना इसकी वैल्यू जो भी बदलेगी जैसे मैंने ओपन किया तो उसमें बैलेंस अलग हो गया. और अब जैसे यहाँ डिपॉजिट होगा तो क्या होगा डिपॉजिट होगा तो मैंने कहा अमाउंट डिपॉजिटेड कितना इतने रुपए और यहां पर आएगा
अमाउंट, बैलेंस का मैं अगला बनवाऊंगा, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी फिर कर लेंगे, देखना। जैसे मैंने क्या किया अभी, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, क्या है भाई, मैं अकाउंट ओपन करूँगा, मैंने क्या करना है, अकाउंट ओपन करूँगा तो ये बैलेंस जो भी मैंने अमाउंट में डाला है वो मेरे बैलेंस वेरिएबल में चला गया। उसके बाद मैं डिपॉजिट को कॉल करूँगा कभी भी, तो जो अमाउंट में डालूँगा वो मेरे बैलेंस में अपडेट हो रहा है यहाँ। प्लस इक्वल्स टू का मतलब करंट वैल्यू में इतना इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पर ओपन अकाउंट किया तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट करता हूँ, आप चाहो तो स्विच केस से इसे पूरा करवा सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉलिंग देखो मेन फंक्शन की, पहले मैंने अकाउंट को ओपन करवाया, अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट ओपन होने के बाद मैंने फिर डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट करवाने के बाद फिर मैंने कहा देखे तो सही कितना हो गया, फिर मैंने दोबारा डिपॉजिट करवाया, फिर दोबारा बैलेंस चेक किया। तो लेट्स सी, मैं आउटपुट को कंपेयर करूँगा यहाँ पर, ये पहला हमारा क्या हुआ है, पहला क्या हुआ है हमारा, पहला अकाउंट ओपन हो रहा है, मैंने कहा अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम कितना 5000 रुपीज़ से, तो मेरा अभी ये है वो कह रहा अकाउंट, ये ओपन ही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये डिपॉजिट वाला कॉल हो रहा है। लेट सपोज मैंने 1500 दिया, कितना बैलेंस हो गया 6500, फिर मेरा दोबारा से वो डिपॉजिट करने के लिए पूछ रहा है, मैंने कहा 3500, कितना बैलेंस हो गया 10000, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल और लोकल का यूज़ है, मैंने यहाँ पर ओपन लिखा हुआ था ना, ऑन टू डिपॉजिट, ठीक है। अब मैं ये वाली चीज़ से दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ, फिर से देख लेना। मैंने कहा ये जो हमारा कौन सा हो रहा है, अकाउंट ओपन वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, मैंने कहा मेरा 4000 से मैंने ओपन कर लिया, डिपॉजिट कितनी करनी है, मैंने कहा 1500 करनी है, कितना बैलेंस हो गया, ये तो डिपॉजिट वाला कॉल हुआ है, और ये बैलेंस इंक्वायरी फिर से कॉल हो गया, तो तीसरा नंबर बैलेंस इंक्वायरी था, ये डिपॉजिट वाला फिर चल गया, मैंने कहा 3500, कितना बैलेंस है, अपडेट हो रही है, ठीक है। ये हमारा एडवांटेज होता है किसका, लोकल और ग्लोबल के डिफरेंस का, समझ में आ रहा है। अगर मैंने लोकल डिफाइन किया तो दैट मीन्स बस फंक्शन के बाहर दिखाई ही नहीं दे, जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के बाहर विजिबल नहीं होते, क्या समझे, दे आर नॉट विजिबल और एक्सेसिबल, आप कुछ भी कह सकते हैं, टू द आउटसाइड फंक्शन, जो अदर फंक्शंस होते हैं हमारे उनको विजिबल नहीं होते, ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं एंड आर अवेलेबल फॉर ऑल द फंक्शंस, ये सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी, आर अपडेटेड बाय ऑल द फंक्शंस, ये हर बार हमारे हर एक फंक्शन से अपडेट भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमारे क्या है, लोकल और ग्लोबल। अब लोकल ग्लोबल की कहानी हमारी यहाँ पर चली, स्टोरेज क्लास में लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं ना हमारे, तीन तरह के होते हैं, ऑटो, रजिस्टर और एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल हमारे क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल में आपके आते हैं ऑटो, रजिस्टर और स्टैटिक, और ग्लोबल में कौन से आते हैं, एक्सटर्नल। दैट मींस क्या हो गया, अगर मैं कहता हूँ फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होने वाले कौन से हैं, ये तीन, और फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होने वाला एक्सटर्नल, ऐसा नहीं है कि इतनी कहानी होगी, डिफरेंस है सबकी। एक्सटर्नल तो बेसिकली फाइल से बाहर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो रही है। स्टोरेज क्लास के बारे में नेक्स्ट में ही बताऊँगा फिर, ठीक है, अभी नेक्स्ट में देखें।